हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू आवर प्रोग्राम लेट्स टॉक। आज हम इस टॉपिक में बात करेंगे रोड एक्सीडेंट्स पे। क्या वजूहत है रोड एक्सीडेंट्स के? क्या कहीं ये हमारी गफलतचारी का नतीजा तो नहीं है, या कहीं हमारी जो पेरेंट्स हैं उनके जो नेग्लिजेंस हैं उनकी वजह से ये एक्सीडेंट्स होते तो नहीं है? जी हाँ नाज़रीन, इन एक्सीडेंट्स में काफ़ी सारे लोग अपने जान गंवा बैठते हैं, काफ़ी सारे लोग ज़िंदगी भर के लिए मौजूर हो जाते हैं। इसी टॉपिक पे आज हम लोगों से बात करेंगे। लेट्स टॉक। चीज़ें जो हमारे पेरेंट्स हैं उनको पहले कंट्रोल करना चाहिए, अपने बच्चों को देखना चाहिए, बाइक्स नहीं देनी चाहिए। हेवी बाइक्स देती है, ड्यूक ऐसी पल्सर, उनको देखना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी 15 साल 12 साल के बच्चे होते हैं बाइक पे, इसीलिए इतने एक्सीडेंट होते हैं। अपने माँ बाप को देखना चाहिए, उनकी तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। फिर भी एक चीज़ है, पहले पेरेंट्स को देखना चाहिए। अब एडमिनिस्ट्रेशन घर घर नहीं जा सकती है, इसीलिए पहले माँ बाप को देखना चाहिए। बच्चे को बाइक नहीं देनी है, केयर करना है। हाँ, माइनर को नहीं देनी है, पहले उनकी लाइसेंस देखनी है। अगर 18 प्लस हो उसके बाद अगर वो चला भी सकता है तो कोई बात नहीं, उस टाइम मैच्योर होता है, बच्चा मैच्योर होता है। मेरी ये बनती है एक चीज़ की, हेलमेट पहने और 18 प्लस बाइक दे। आए दिन हम देखते हैं कि कुछ ऐसे छोटे बच्चे हैं जो हमारे पेरेंट्स हैं वो प्रेफर करते हैं इनको आप बाइक्स देते हैं या स्कूटी देते हैं। पहले देखना ये है कि यहाँ की इंतज़ामिया जो है, जो उसने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस रखे हैं, जिस हिसाब से आप देखिए किस उम्र में यहाँ पे एक लड़के को ड्राइविंग लाइसेंस फराहम की जाती है, वो सबसे बड़ी बात है। अगर हम देखेंगे उससे पहले ही यहाँ पे बिना देखे बच्चों को आप स्कूटी या बाइक्स फराहम करते हैं, ये सबसे बड़ी बहुत बड़ी बात है। हमारे पेरेंट्स को सोचना चाहिए कि आया कि अल्लाह ना करे जब हम बच्चे का शौक पूरा करते हैं या हम चाहते हैं कि बच्चा जो कहता है उसी की माने, उस पर हमेशा ये देखा गया है, जितना आप अगर आपको बच्चा किसी चीज़ के लिए इंसिस्ट करता है, मुझे नहीं लगता है कि उस बच्चे के उस चीज़ को मानना चाहिए। क्योंकि जब आप इसी उम्र में बच्चे की फरमाइश को पूरा करेंगे तो आने वाले ज़माने में आपको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ, उनको पेरेंट्स को जो है उनको पहले ही नज़र रखना पड़ेगी बच्चों पे। वो जा रहा है बाहर, वो क्या चला रहा है, अगर वो बाइक चला रहा है उसकी स्पीड क्या है। और मैं यहाँ जहाँ पे जो यहाँ पे गवर्नमेंट है, जो यहाँ पे इंतज़ाम एडवाइस, जैसे कि ट्रैफिक पुलिस है यहाँ पे, इनका नाम है शेख आदिल साहब, उनसे मैं कहता हूँ जो ही आप देखोगे कोई बंदा जो स्पीड होगी जो 80 से या 80 से ज़्यादा स्पीड, आप उसे इसी टाइम बाइक सीज करिए या कुछ टाइम उनको अरेस्ट कीजिए, ताकि जो जो लाइफ से वो बच जाए। कि अब बहुत दिनों से हम देख रहे हैं कि जो आजकल जो नौजवान है वो बाइक एक्सीडेंट के दौरान उनकी डेथ होती है, क्योंकि उनकी हर किसी की एक एक लाइफ होती है। हम चाहते हैं कि जो ये लाइफ है ये बच जाए। अगर हम बात करेंगे पेरेंट्स की, पेरेंट्स भी जो है अपने बच्चों का ख्याल नहीं रखते हैं, वो भी रिस्पॉन्सिबल लग रहे हैं हमें। तो उसके साथ में अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ऐसे इकदाम उठाए थे, जो स्टंट बाइकर्स है या जो माइनर्स है जो बाइक चलाते हैं तो फैटल एक्सीडेंट जो होते हैं उसमें कहीं एक नौजवान जो है अपनी जान भी खो गए हैं। तो उसके साथ साथ में अगर हम देखेंगे, सबसे पहली जो जिम्मेदारी है वो अपने पेरेंट्स की होती है कि कैसे बच्चों को संभाले, कैसे बच्चों को वो एडुकेट करे इस बारे में। क्योंकि पहले तो गवर्नमेंट ने ही रखा है कि माइनर जो है उसको कोई भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स अवेलेबल ना रखा जाए। उसके साथ साथ में अगर हम देखेंगे माइनर्स के लिए कोई लाइसेंस भी इशू नहीं की जाती है, तो उस दौरान पेरेंट्स का हक बनता है कि जब तक उनके चिल्ड्रन जो है, बच्चे जो है माइनर है, तब तक उनको कोई भी व्हीकल ना दिया जाए। हमने आम तौर से देखा है कि पेरेंट्स जो है लाड़ प्यार में उनको जो बाइक्स होते हैं, स्कूटीज होते हैं, कहीं एक बार तो हमने देखा कि लाड़ प्यार में उनको गाड़ियाँ भी देते हैं, तो उससे न सिर्फ उनको नुकसान पहुँचता है बल्कि जो कम्यूटर्स होते हैं, जो रास्ते में चलने वाले लोग होते हैं, उनको भी बेचारों को नुकसान, कहीं एक चिराग जो है बुझ जाते हैं। तो सबसे पहली जो यूनिवर्सिटी है वो घर में ही पैदा करनी चाहिए, खासकर से जो पेरेंट्स हैं उनको एडुकेट करना चाहिए लोगों को, पहले अपने ये बच्चों को, कि जो भी यहाँ पर माइनर्स हैं उनको ऐसे व्हीकल्स, बाइक्स, जो स्कूटीज़ हैं ना दें, जब तक कि वो मैच्योर ना हो जाए।
ये आज की बात नहीं है, एक्सीडेंट होना ये सदियों से ऐसा चलता आ रहा है। कहीं अगर हम अपने ही वादी कश्मीर की बात करते तो यहाँ पर ज़्यादातर एक्सीडेंट्स होते हैं। कहीं जब डिपार्टमेंट्स के पास आते हैं ट्रैफिक डिपार्टमेंट, तो वो कहता है कि हम काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, चालान्स करते हैं। लेकिन पहले बात मैं उन युवाओं यूथ को मैं ज़रूरी मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर घर से आप बाहर निकलते हैं और खुसूसन शिद्दत सर्दी में सुबह जो कोहरा लगा हुआ होता है, तो आप बाइक पर ना जाइए और हेलमेट जरूर पहना करें। और स्टंट से कुछ फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि इससे अपनी जान ही जाती है। इसीलिए मैं लोगों से भी गुजारिश करता हूँ और ट्रैफिक डिपार्टमेंट से भी गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर आप काम कर रहे हैं, आपको लोगों की जाने ज़रूरत है, तो आप मेहरबानी करें सड़क पर आ जाइए। मैं यही कहूँगा जो आप इस वक्त देखते हैं स्टंट, आज का जो यूथ है, चाहे 18, 19, 20 या 25 तक हम बात करें, जो आज का यूथ जो स्टंट्स करते हैं, जो एक्सीडेंट्स का शिकार होते हैं, सबसे बड़ी बात है पेशेंस हम लोगों में नहीं रहे हैं। कश्मीर का यूथ हो चाहे मतलब उससे भी 25 से अबव है, हमें पेशेंस बहुत कम है। अगर 5 मिनट देरी लगे तो 5 मिनट देरी करनी चाहिए, लेकिन आराम से। कोई पेरेंट नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा खुदा न खास्ता मर जाए या उसका एक्सीडेंट हो जाए। पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए कुछ 2-व्हीलर लाते हैं या फोर व्हीलर भी लाते हैं, वो उसको सबसे पहले यही बात बोलते हैं कि आप धीमे चलाएंगे, फिर हम आपके लिए ला सकते हैं। लेकिन वो बच्चा उस वक्त अपने घर वालों के साथ प्रॉमिस करता है, लेकिन वो अपने माँ बाप के साथ प्रॉमिस तोड़ता है। उन यूथ्स के लिए मेरा पहला ये पैगाम रहेगा कि जो हम प्रॉमिस करते हैं ना माँ बाप के साथ, वो हम माँ बाप के साथ नहीं, खुदा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो प्रॉमिस करते हैं। लेकिन उन भाइयों के लिए मेरी एक रिक्वेस्ट है, जो हम प्रॉमिस अपने माँ वालदैन से करते हैं वो पूरा करें। देखिए यार, ये सीधी सी बात है, इसमें खाली पुलिस चालान करेगी उससे कुछ नहीं होने वाला जी। जब तक कि आम शहरी अपना फर्ज नहीं निभाएगा, वालदैन अपना फर्ज नहीं निभाएंगे। वालदैन जो छोटे बच्चों को 2-व्हीलर देते हैं, या कभी कभी छोटे बच्चे जिनकी उम्र भी लाइसेंस निकालने की भी नहीं होती, 18 भी उन्होंने 18 प्लस नहीं हुए होते हैं जी, जी माइनर्स होते हैं, वो भी 4-व्हीलर ड्राइव करते हैं, यंग ब्लड होता है, तो ये ओवर स्पीडिंग करते हैं, ज्यादा स्पीड रखते हैं, जिस वजह से एक्सीडेंट होते हैं। आम तौर आपने देखा होगा, जब भी किसी बाइक या किसी 2-व्हीलर का एक्सीडेंट होता है तो उसमें कैजुअलिटी हो जाती है, क्योंकि ना ही क्रैश हेलमेट पहना होता है और ज्यादा फास्ट चलते हैं, 2-3 लड़के बाइक पे या इस पे सिक्योरिटी पे बैठे होते हैं जी, ट्रिपलिंग वगैरह। इस वजह इसी तरह मतलब जब तक वालदैन अपना फर्ज नहीं निभाएंगे कि छोटे बच्चों को गाड़ी नहीं चलाने देंगे, छोटे बच्चों को 2-व्हीलर नहीं चलाने देंगे, तो इसी तरह बच्चा जब बालिग हो गया, एक वैलिड ड्राइविंग इंस्टीट्यूट से उसको सिखाए, फिर जो कंसर्न रहता है आरटीओ कश्मीर या जो डिस्ट्रिक्ट में हमारे एआरटीओ ऑफिसर होते हैं, वहाँ से उनके लिए वैलिड लाइसेंस नहीं निकालेंगे, तो तब ही ये इसमें कमी आ सकती है। इसी तरह जब बच्चे को जहनीशीन कराया जाए कि जब वो बालिग हो गया, उसने 2-व्हीलर चलाना सीखा और 2-व्हीलर चलाने लगा या 4-व्हीलर चलाने लगा, वालदैन को बच्चों के जहन में ये डालना चाहिए कि अगर 4-व्हीलर आप चलाते हो, मेहरबानी करके आप सीट बेल्ट लगाया करो, न कि ये इस वजह से कि आगे ट्रैफिक पुलिस बैठे वो आपको चालान करेंगे। नहीं, बच्चे के जहन में ये बात बिठानी चाहिए कि ये जो आप सीट बेल्ट लगाते हो, जब आप 4-व्हीलर ड्राइव करते हो या 2-व्हीलर जब ड्राइव करते हो, आप क्रैश हेलमेट पहनते हो, ये आपकी सेफ्टी के लिए है जी, ना कि इस बात के लिए कि आगे भी बैठा है ट्रैफिक कॉप वो आपको चालान करेगा। जब बच्चे के जहन में ये बात घर कर जाएगी कि जो मैं ये क्रैश हेलमेट लगाता हूँ, जब मैं सिक्योरिटी या बाइक पे बैठता हूँ या मैं 4-व्हीलर पे बैठता हूँ, स्टीयरिंग पे बैठता हूँ, सीट बेल्ट लगाता हूँ, उसके जहन में ये बात घर कर जाएगी, ये मेरी सेफ्टी के लिए, इसको वो हमेशा पहनेगा, क्योंकि उसको ये जहन में रहेगा नहीं, ये जो मेरी सेफ्टी के लिए, अगर आगे कुछ होगा तो ये मुझे बचाएगा। वो 2-व्हीलर पे बैठेगा, फिर माँ बाप के कहने के या हमारे खौफ जो ट्रैफिक पुलिस है उसके खौफ से नहीं, बल्कि अपनी सेफ्टी के लिए वो 2-व्हीलर पर बैठ के क्रैश हेलमेट लगाएगा, 4-व्हीलर के स्टीयरिंग पर बैठ के ये सीट बेल्ट लगाएगा। इसी तरह आमतौर मतलब जब ड्राइविंग करते हैं तो मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, उससे हमें एतराज करना है, उससे हमें बचना है। ओवर स्पीडिंग हम करते हैं, एक दूसरे को ओवरटेक करते हैं, ब्लाइंड कर्व से भी हम नहीं देखते हैं कि ओवर मतलब कैसे हम ओवरटेक करें। ये कानून जानने हैं, पूरा देखना है कि ड्राइविंग में सेफ ड्राइविंग क्या है, सेफ ड्राइविंग के फायदे क्या हैं। अगर हम रैश रेकलेस ड्राइविंग करें, नेग्लिजेंट ड्राइविंग करें, उससे हमें क्या नुकसान हो सकता है। जब तक ये आम आदमी में, ड्राइवर हजरात में, बच्चों में, वालदेन में, ये मतलब पूरे मैं एक बात कहूँ कि पूरे हमारे कश्मीरी समाज में इस बात के तय मतलब ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ वर्जी नहीं होनी चाहिए, बल्कि इनका एहतराम करना है, इनका पालन करना है। नाज़रीन, हमने आम लोगों से बात की, जाना
जो सड़क हादसा है इसमें पेरेंट्स का कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, एडमिनिस्ट्रेशन की कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। नाज़रीन यहाँ पर हम भी अपनी एक मैसेज देना चाहेंगे, नाज़रीन जो माइनर है उनको आप बाइक मत दीजिए, खुदा ना खासा वो अपनी ज़िंदगियों के साथ तो खेलते ही, साथ ही साथ जो लोग हैं, जो सड़कों पे लोग हैं उनकी ज़िंदगियों के साथ भी खेलते हैं। खुदा ना खासा कई बड़ा वाका अगर पेश आया फिर आप कहाँ पे घूमते फिरोगे? देखते रहे कश्मीर न्यूज़ ब्यूरो विद कैमरा पर्सन सजाद अहमद बादशाह, तौकील इस्लाम से।